हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो। दोस्तों आज हम करने वाले हमारे चैनल की फर्स्ट अनबॉक्सिंग और आज हम करेंगे अनबॉक्स मोब स्पैक की तरफ से आने वाला कॉलर माइक जेनेरिक पैक, जो भी आप कहना चाहते हो। दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हो और आपने अपना चैनल अभी स्टार्ट किया है और आप वॉइस रिकॉर्डिंग, वॉइस ऑडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस ओवरिंग के लिए एक माइक परचेस करना चाहते हो तो चीपेस्ट भी हो, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, तो ये माइक आपके लिए बेस्ट माइक होने वाला है, क्योंकि ये एक मोस्ट चीपेस्ट कॉलर माइक है एंड लो प्राइस के साथ आपको ये हाई क्वालिटी की वॉइस रिकॉर्ड करके देगा। अनबॉक्सिंग रिव्यू सारी चीजें इसमें वीडियो में कवर की, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखे। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दे और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब टाइम है अनबॉक्सिंग का। तो ये है हमारे पास एक बॉक्स जिसमें रखा हुआ है हमारा चीपेस्ट कॉलर माइक, जिसे हमने परचेस किया है फ्लिपकार्ट से। आप पैकेजिंग देखकर समझ ही गए होंगे, यहाँ बॉक्स पर सिर्फ हमें बिल नजर आता है जिस पर माइक की प्राइस लिखी हुई है। इस माइक की प्राइस है 114, जो सबसे चीपेस्ट प्राइस है। इस प्राइस रेंज में कोई भी माइक अवेलेबल नहीं है फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर। तो चलिए जल्दी से बॉक्स ओपन करते हैं। बॉक्स ओपन करने के लिए हम सीजर का यूज करेंगे, तो इसको ऊपर से एक कट करते हैं, उसके बाद इसे खोल लेते हैं। बॉक्स के अंदर हमें एक और पैकेट मिलता है जिसके अंदर हमारा कॉलर माइक रखा हुआ है, तो जल्दी जल्दी इस पैकेट को भी खोल लेते हैं। तो ये रहा हमारा चीपेस्ट कॉलर माइक, जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, आपको दिख ही रही होंगी वीडियो में। तो हमने कॉलर माइक की अनबॉक्सिंग कर ली, अब टाइम है रिव्यू का, तो जल्दी से रिव्यू भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस कॉलर माइक के केबल के लेंथ की। तो हमें इस माइक में 1 मीटर का केबल देखने को मिल जाता है, जो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मीडियम है, जो काफ़ी है फेस स्कैन वीडियोस एंड वॉइस ओवरिंग वीडियोस के लिए। इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो वो है 28 mm। वायर की बात हो गई, अब बात करते हैं ऊपर के साइड की। तो हमें ऊपर के साइड माइक देखने को मिल जाता है और उसके साथ लेपल और क्लिप भी है। क्लिप की मदद से आप माइक को राउंड में घुमा सकते हो और लेपल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है वॉइस रिकॉर्डिंग में, क्योंकि ये बैकग्राउंड में आने वाली नॉइस को बहुत कम कर देता है। और अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो आप को ये बहुत काम आएगा। हमने ऊपर के साइड की बात कर ली, अब बात करते हैं नीचे के साइड की। तो नीचे के साइड हमें 3.5 mm का हेडफोन जैक मिलता है। अगर आपके फ़ोन में 3.5 mm का जैक सपोर्ट करता है तो आप इसे बाय कर सकते हो। हेडफोन जैक के ऊपर आपको 3 ब्लैक लाइंस भी दिख रही होंगी। ये लाइंस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप अगर कॉलर माइक ऑनलाइन बाय करते हो तो आपको कभी भी 3 ब्लैक या वाइट लाइंस वाला ही माइक बाय करना है, नहीं तो आप 1 या 2 लाइंस वाला माइक बाय करोगे तो वो माइक आपके फ़ोन में सपोर्ट नहीं करेगा और स्टार्ट भी नहीं होगा। इसलिए कभी भी 3 लाइंस वाला कॉलर माइक ही बाय करें। दोस्तों अब टाइम है ऑडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट का। तो ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वो हो रही है विदाउट माइक, यानी मैंने अभी तक कोई भी माइक कनेक्ट नहीं किया है और ये मेरे मोबाइल के रिकॉर्डर से रिकॉर्ड हो रही है। तो आपको बैकग्राउंड में बहुत नॉइस सुनाई दे रही होंगी, क्योंकि ये विदाउट माइक है। तो चलिए अब विथ माइक यानी माइक कनेक्ट करके देखते हैं। अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो हो रही है विथ माइक, यानी मैंने अभी मोबाइल से माइक को कनेक्ट कर लिया है और आप देख ही सकते हो कि जो बैकग्राउंड में नॉइज़ थी वो कितनी कम हो चुकी है और वॉइस की क्वालिटी कितनी इम्प्रूव हो चुकी है।
तो आपने देखा कि हमने जो पहले विदाउट माइक की थी तो उसमें बहुत नॉइज़ थी बैकग्राउंड में और ऑडियो की क्वालिटी बहुत लो थी। तो ये है विद माइक और विदाउट माइक की ऑडियो टेस्टिंग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने की है अनबॉक्सिंग, रिव्यू और ऑडियो टेस्टिंग एक मोस्ट चीपेस्ट कॉलर माइक की। उम्मीद करता हूँ आपको ये अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए जल्दी से लाइक और चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप इस माइक को परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इसे परचेस कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर इसी तरीके की अनबॉक्सिंग टिप्स एंड ट्रिक एंड इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। बाय बाय।